In this video, we will discuss about the uses of models and I'll teach you how you will use models to make a sentence while speaking English yeah, while talking to someone in English. OK, so hello, everyone. I'm SK Srivastav from the best English classes. I welcome you all in the third session of this series. OK. I am telling you one thing, if you have visited here at first time, then please subscribe my channel.

Okay? मॉडल्स सबसे पहले मैंने क्या किया हम थोड़ा सा कोशिश करते जानने का कि जो हमारा मॉडल्स है जो हमारा मॉडल्स ये होता क्या है थोड़ा सा जानते हैं नॉट डिटेल ओके सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली लिसन टू मी ये रहा हमारा मॉडल्स यहां मैंने कायदे से क्या लिखा मॉडल्स कुछ बच्चे इससे बोलते हैं मॉडल्स आई थिंक इट्स नॉट द करेक्ट प्रोनाशियन ऑफ दिस वर्ड आप इसे नहीं पढ़ेंगे मॉडल्स ठीक है हम इससे क्या पढ़ेंगे मॉडल्स एक्चुअली इसका जन्म हुआ है मूड वर्ड से कहा से मूड से और मूड का मतलब होता है क्या मेंटेलिटी आप इससे बोल सकते क्या मेंटलिटी मतलब मानसिकता और आप ऐसे भी बोल सकते हैं मूड को कि इस मूड का मतलब होता है क्या एटीट्यूड इस मूड का मीनिंग बच्चों क्या होता है एटीट्यूड ए डबल टी आई टी यू डी एटीट्यूड मीन्स वॉट एटीट्यूड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू वी आई ई डब्ल्यू एट एनी मोमेंट एट एनी मोमेंट देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है यहाँ मैंने क्या लिखा पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट क्लास में हम आ, मिल के काम करने वाले हैं मॉडल्स के यूज के बारे में तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये होता क्या है और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू विल यूज मॉडल्स टू मेक सेंटेंसेज वाइल स्पीकिंग या वाइल्ड टॉकिंग टू समन या वेर एवर जहां कहीं भी आप चाहते इसका यूज करना आप कहा यूज करेंगे हम इसके बारे में करेंगे बातचीत तो मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको कि ये रहा हमारा मॉडल्स इससे मत पड़ेगा मॉडल्स और इसका जन्म हुआ है इस मूड वर्ड से इस मूड का मतलब क्या होता है मेंटालिटी इसे कहते क्या मानसिकता इसी को आप एक बात और कह सकते हैं इसे आप क्या कह सकते हो एटीट्यूड एटीट्यूड का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट मतलब किसी 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 इसका मतलब इसका मतलब मतलब हुआ हुआ पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट ओके केवल ब्लैक में लिखेंगे इसका मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट किसी क्षण किसी चीज को देखने का नजरिया उसे क्या कहते हैं मूड कहते हैं आई बात समझ में अब इस मूड के बारे में एक छोटी सी बात आप और जान जाओ और इसके बाद इस महफिल को लेकर हम आगे आ जाएंगे देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है हमने यहाँ लिखा था एक वर्ड हमने आपके सामने जो वर्ड लिखा था जिससे आप बोलते हैं क्या मूड बोलते हैं और मैंने इस मूड को क्या कहा था कि इस मूड को यह बोलते हैं क्या एटीट्यूड और एटीट्यूड को आपने क्या कहा इस एटीट्यूड को आपने क्या कहा इसे कहा था आपने पॉइंट ऑफ व्यू इसे आपने कहा था पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट एट एनी मोमेंट अगर हम इसके बारे में आपसे कायदे से बात करना चाहे तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को देखने का नजरिया एट एनी मोमेंट किसी क्षण ये हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है एंड आई थिंक एज वी ऑल नो व्हाट इज बोर्ड मार्कर अगर हमसे कोई पूछना चाहता है या पूछना चाहेंगे कि बोर्ड मार्कर हमारा क्या होता है तो हम कायदे से इसका आंसर बता सकते हैं इस बात को आप मानते हैं ना? हम क्या बोलेंगे द मार्कर पेनिच इज यूज टू राइट डिजिटल पैनल द मार्कर पेन विच इज यूज टू राइट समथिंग ऑन डिजिटल पैनल इज कॉल्ड मार्कर पेन इसका दो टाइप होता है एक हमारा होता है सिंपल बोर्ड पे भी लिखते हैं आप एक वो भी होता है लेकिन मैंने इसको क्या डिफाइन ओके okay? लेकिन आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने हम पढ़ा रहे हैं और अचानक मेरे आंखों के सामने या मेरे आसपास में निकल जाएगा क्या सांप निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे भाईजान अरे बोलो ना हम इसी को चला के उसको मार सकते हैं ये संभावना है कि नहीं है बिल्कुल है भाई साहब तो अगर हम इसको चला के मारेंगे तो वहां पर यह काम किसका किया वेपन्स मतलब किसका हथियार का तो हमने इसी को यहाँ पे जब इसका मैंने यूज किया लिखने के लिए तो यह हमारा क्या बन गया मार्कर पेन और इसी को चला के मैंने किसी को मारा तो यह क्या बन गया हमारा वेपन्स इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं बन गया अरे बोलो ना हाँ तो किसी क्षण किसी चीज को देखने के नजरिया को हम कहते क्या है एटीट्यूड और यह एटीट्यूड शो करता हमारा मूड और इस मूड का जो जो हमारा मूड है इसी मूड को दिखाने के लिए एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जिससे आप बोलते हैं मॉडल्स उसी को हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे हम आपसे और मॉडल आप हम, हम, आप का अपना एक प्रॉपर्टी है केवल आप इसके बारे में एक बात जान जाइए एंड देन आई स्टार्ट क्लास देयर इज वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स And I think I'll teach you, हम इसका जो प्रॉपर्टी है ठीक है आगे देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये जहां कहीं भी आएगा ना उसके बाद वो आपका केवल फर्स्ट फॉर्म आता है यू कैन यूज एवरीवेयर आप किसी भी जगह यूज करते हैं या आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल्स का लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके बाद केवल क्या के आता वो आपका फर्स्ट फॉर्म ठीक है दूसरी बात आपका जो मॉडल्स है इसको सब्जेक्ट के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्जेक्ट के नेचर का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट का नंबर क्या है उसका पर्सन क्या है उसका जेंडर क्या है उसका टेंस क्या है इट मींस नेचर ऑफ सब्जेक्ट ओके तो सब्जेक्ट के नेचर से मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको हम दिखाते हैं यहां आपने लिखा क्या अगर मैं कायदे से आपसे बात करूं हालांकि मुझे एक पेज लेना पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहां मैंने क्या लिखा यहां मैंने लिखा क्या यह हमारा इज है यह हमारा एम है और यह हमारा आर है अरे बोलो ना हाँ इज एम आर है आपको पता है कि इस एम का आप यूज करेंगे केवल आई के साथ इस का आप यूज करेंगे कहा पता आपको है? Where the nature of subject is singular. जब आपके subject का nature होगा singular, आप वहां पे क्या लगाएंगे? जब subject आपका कैसा होगा तो वहां आप क्या लगाओगे अरे बोलो ना वहां लगाओगे आप इज़ को? एंड इट्स जस्ट रिवर्स इसका जस्ट उल्टा है नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज

आई के साथ यू के साथ वी के साथ ही के साथ इट के साथ दे के साथ मीन्स यू कैन यूज विद एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट आप किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब सब्जेक्ट के नेचर का इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ता है किस पे मॉडल्स पे पहला प्रॉपर्टी ये रहा सेकेंड क्या है इसके जस्ट बाद हमारा क्या आता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म ठीक है अब अब आप आगे आ जाओ अब इस कहानी को लेकर हम आगे आते बाकी आप खुद समझदार हैं तो मैंने सबसे पहले आपके सामने यहां समझाने की कोशिश क्या किया है यहां लिखा मैंने कैन कैन ये का मीनिंग होता है सकना ये दिखाता है किन किन चीजों को कैपेसिटी कैपेसिटी आप ये बोल सकते हैं इसके बाद कायदे से बात करें तो ये जो हमारा हाँ यहां लिखा आपने बाबूजी क्या कैपेसिटी और यहां लिखा आपने एबिलिटी ए बी एल आई टी वाई इसका मतलब क्षमता होता है और इसका मतलब योग्यता होता है योग्यता ठीक है योग्यता ध्यान दीजिएगा कोई इंसान योग्य होता है दिमाग से तो इससे हम कहते हैं क्या मेंटालिटी मतलब मानसिकता को जैसे बोलते हैं ना कि हम इस लायक है कि आपको पढ़ा सकते हैं आई एम एवल टू टीच यू हमें इतनी जानकारी है कि आपको हम पढ़ा सकते हैं तो यह हमारा होगा योग्यता और हम ये बोलते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स या दिगे स्टोन हम इस बड़े पत्थर को उठा सकते हैं तो हम इस काम को करते हैं बॉडी से फिजिकली करते हैं तो हम उससे बोलते हैं क्या क्षमता और जिस काम को दिमाग से करते तो उसे क्या बोलते योग्यता हालांकि कहीं कहीं किसी का यूज कहीं हो जाता है सब बात की बात है तो मैंने आपको ये कहा कि आज आप थोड़ा जानने वाले हो इस कैन के बारे में ठीक है ये इस कैन का मीनिंग हमारा क्या होता है सकता आप इसको बोल सकते हो सकना भी ये सकना हमारा क्या दिखाता है तो कैपेसिटी को या क्या दिखाता है एबिलिटी को इसका मीनिंग क्या होता है क्षमता क्षमता इसका मीनिंग क्या होता है योग्यता कहा प्रेजेंट में जब हमें प्रेजेंट में दिखाना होगा कैपेसिटी की एबिलिटी को तब हम यूज क्या करते हैं स्कैन का यूज करते हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आ रहा है तो पहले हम इस स्कैन के बारे में कर लेते बातचीत एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर मॉडल्स ओके लाइक कूड विल बी एबल टू सूड मस्ट एटसेट्रा ओके लिसन टू मी ये सारी बात आप जानते हैं तो अब हम सबसे पहले करने वाले क्या है आप वो देखिएगा इस कैन के मदद से हम कुछ सेंटेंस आपके सामने बनाए हैं और हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको दिखाएं एंड देन और उसके बाद ये हमारा कहानी क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा स्टार्टअप लेकिन फिलहाल आप इतना देखेगा यहाँ आपने क्या लिखा है सो भैया जी आपने यहां लिखा क्या आपने यहां कायदे से लिखने की कोशिश क्या किया है एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स हमारा किसका है कैन का है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कैन के मदद से आप कैन आपका मॉडल्स है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है एंड हाउ यू विल अप्लाई टू मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैन कूड मे माइट या एनी मॉडल ओके लिसन टू मी वेरी दैट वॉट आई गोन एच यू ये रहा हमारा कैन जो अपने आप में क्या है मॉडल है और इसके बाद हमारा क्या आता वो आपका फर्स्ट फॉर्म अरे बोलो ना हाँ इट ओके लिसन टू मी अब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो ये पहले हमारा आ, गया, कैन, फर्स्ट पहले आ गया, और बाद क्या आएगा से बोल सकते तो हालांकि बारे में करेंगे बात बाद में अगर आपकी इच्छा तो आप इसको लिख सकते हैं अब ये क्या दिखाएगा कैपेसिटी को कहा तो प्रेजेंट में अब मैं कुछ बोल के दिखाऊं जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं आई कैन टीच यू मैं आपसे बात कर सकता हूँ आई कैन टीच सॉरी आई कैन काम को कर सकता हूं, I can do this work. मैं वहां जा सकता सकता मैं 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 जा मोहन को को पढ़ा सकता हूं, I can teach मैं इस काम आसानी से कर सकता हूँ आई कैन डू दिस वर्क इजीली तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं आप यहाँ ये यह देख रहे हैं कि मेरे पास कैपेसिटी है आप इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं एवल टू एल ई एवल टू अगर आप इसको मॉडल के मदद से नहीं बनाएंगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एवल टू एल ई ए एवल टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो जैसे हमने हमने यहां पे क्या लिखा है मेरे भाई यहां मैंने क्या लिखा है कि uh, subject plus can, वो आपका ये रहा आपका object, ठीक है तो अगर मैं इस कहानी को आगे लेके आऊंगा और इसके मदद से अगर हम कोई बनाएंगे सेंटेंस तो कैसे बनेगा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आपने क्या लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन स्पीक इंग्लिश और अगर हम इसी बात को चाहें ऐसे भी बोलना तो कायदे से बोल सकते हैं क्या बोलेंगे हम हम अगर इस पर चाहेंगे लगा के बोलना तो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम एबल टू आई एम एबल टू स्पीक आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश आई बात समझ में अगर आप चाहें अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं या अगर चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो आपका एबल है एबिलिटी है इसी को दिखाता है कि आपका कैन ठीक है अब आइए इस पर बेसिस कुछ सेंटेंसेस है हम लोग इसका मिलकर करते हैं क्या प्रैक्टिस ठीक है तो ये रहा हमारा सेंटेंस और आपने यहां पे क्या लिखा आई थिंक इधर आएगा कि नहीं आएगा आ जाइए आ जाओ भैया जी आएगा यहां पे क्या चलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वहीं पे क्यों चला आता भैया जी चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम कोशिश करते हैं इसको यहीं से पढ़ाने का लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये बीच में आता तो ज्यादा बेहतर होता बीच में नहीं आएगा तो आइए बातचीत करते हैं आपने यहां पे क्या लिखा है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश सी कैन गो वह वहां जा सकती है पहले बोलते हैं हिंदी में फिर बोलेंगे इंग्लिश में ठीक है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश वह वहां जा सकती है सी कैन गो वहां का देयर सी कैन गो देयर वह मुझे पढ़ा सकती है सी कैन टीच मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आई कैन हेल्प यू वे लोग गाना गा सकते हैं दे कैन सिंग अ सॉन्ग दे कैन सिंग अ सॉन्ग अगर हम इसी पे चाहे तो और भी बना सकते हैं आप यहाँ आ सकते हैं यू कैन कम हेयर मैं वहां जा सकता हूँ आई कैन गो देयर मैं इस काम को कर सकता हूँ पानी पी सकता हूँ आपसे बात कर सकता हूँ आई कैन टॉक टू यू मैं इस पंखे को ऑन कर सकता हूँ आई कैन स्विच ऑन दिस फैन तो इस तरीके से इस कैन का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं अब देखिएगा अगर मैं चाहू बनाना इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो आप बना सकते हैं कायदे से कोई दिक्कत नहीं है अगर बनाएंगे आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो कैसे बनेगा ये रहा आपका कैन इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा नोट दोनों के मिलने से क्या बनता है कैन नोट और इसी कैन नोट का जो हमारा कंट्रास्ट फॉर्म है कंट्रास्ट इसी को हम बोलते हैं क्या एब्रिविएशन एब्रिविएशन मतलब कि संक्षिप्त फॉर्म है कंट्रास्ट जिसे आप बोलते हैं क्या कांट ऐसा मुझे लगता है कि इतनी जानकारी तो आपके पास होगी अब आइए आगे, आगे बात करते हैं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं आई कांट स्पीक इंग्लिश वह नहीं जा सकती है से कांट गो वह वहां नहीं जा सकती है सी कांट गो देयर वह नहीं पढ़ा सकती है सी कांट टीच वह आपको नहीं पढ़ा सकती है सी टीच यू मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं आई कांट हेल्प यू वे लोग गाना नहीं गा सकते हैं दे कांट सिंग सॉन्ग अब देखिएगा अब जिस तरीके से हम लोगों ने मिलकर बात किया था कैन के बारे में तो अब बात करेंगे कूड के बारे में ये रहा हमारा कूड जो काम कैन करता है प्रेजेंट में वही काम कूड करता है पास्ट में आई रिपीट वंस अगेन सेम थिंग विल डू कूड लाइक कैन बट कैन इज यूज बट कैन इज यूज इन प्रसो काम करता है वही काम करता कूड कहा तो बात करते हैं थोड़ा सा आप पहले ये बात कीजिए आपने यहां पर जो लिखा है आपने यहाँ पर लिखने की जो कोशिश किया है इस कूड को ये रहा हमारा सी पास्ट फॉर्म ऑफ कैन और यह दिखाता हमारे पास्ट एबिलिटी को जो हमारा कूड है यह दिखाता है क्षमता को. मतलब को दिखाता है ठीक है स्ट्रक्चर विल भी सेम और जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम था पहले सेम होगा पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा एंड देन मॉडल एंड देन वो आपका फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट ठीक है अब आप यहां देखिए मैं इंग्लिश बोल सकता था आई कुड स्पीक इंग्लिश या मैं बोल सकता था आई कुड स्पीक मैं इंग्लिश बोल सकता था आई कुड स्पीक इंग्लिश वह यहां आ सकती थी कम हेयर मैं आपकी मदद कर सकता था आई कुड हेल्प यू मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था आई कुड आंसर आई कुडिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वह दरवाजा खोल सकता था सी कुड ओपन द डोर मैं वाक्य को बना सकता था आई कुड मेक सेंटेंसेज आई कुड मेक सेंटेंसेस तो ये रहा हमारा कैन और कोड का यूजेज और अगर मैं चाहूंगा यहीं पे बनाना इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से बना सकते हैं जहां हमारा कूड लगा हुआ था उसके जस्ट बाद हमारा आ जाएगा नॉट अरे बोलो ना हाँ जब हम चाहेंगे बनाना इसका नेगेटिव फॉर्म देन वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर कूड बिकॉज कूड इज अ मॉडल एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट मॉडल इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब ओके लिसन टू मी अब हम इसी को चाहेंगे काम करना हम क्या बोल सकते हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता था आई कुड नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर मैं आपका सॉरी 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 आप था बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है आ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकता था तो आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल आप ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सका आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल मैं वाक्यों को नहीं बना सकता था या मैं वाक्यों को नहीं बना सका आई कुड नॉट मेक सेंटेंसेस वह मेरी मदद नहीं कर सकी सी कुड नॉट हेल्प मी या वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी सी कुड नॉट हेल्प मी ठीक है अब हम बात करने वाले हैं इसी काम को जब करेंगे आप इन फ्यूचर मतलब जब आपका जो कैपेसिटी है आपकी जो एविलिटी है आपकी जो क्षमता है या जो योग्यता है आप इसको दिखाना चाहते हो कहाँ फ्यूचर में तो कुछ नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है और आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है आप यहाँ देखोगे यहाँ क्या होने वाला आपके साथ यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे आप ये रहा आपका आपको पता हो पहले से ही जब बात आती है फ्यूचर की अरे बोलो ना हाँ जब बात किसकी आती है बच्चों फ्यूचर की तो आप वहां क्या लगाते हो सेल या क्या लगाते हो विल हाँ बट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर लेकिन आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में क्या कर दिया है बना दिया फैशन कि सेल का यूज अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है विल से आपका काम चल सकता है वैसे अगर आप जानना चाहें तो हम चाहेंगे लेट मी एक्सप्लेन मैं करना आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेल अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बीच का जो डिफरेंसेस uh, है जो इसके बीच का अंतर है हम चाहेंगे आपको बताना वैसे इन जनरल सेंस सामान्य अर्थ में हम इस सेल का यूज करते हैं कहाँ पर बच्चा पार्टी तो आई और वी के साथ आई और वी मीन्स वॉट आई और वी मतलब हो गया

और वैसे जिस तरीके से जनरल में आपने यूज़ किया है इस सेल का आई और सर, क्या ऐसा करना, अपने आप में बदतमीजी नहीं है बिल्कुल बदतमीजी है आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमारा आता है सेल सामान्य अर्थ में और सेकेंड और थर्ड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ हमारा आता है क्या विल इन जनरल सेंस सामान्य अर्थ में और जब इसी सेंस को चेंज करते हैं इमफेटिक बनाते हैं एमफेसइज करते हैं तो जहां सेल आ रहा था वहां वी लाएगा और जहां वी आ रहा था वहां सेल आएगा इज इट ओके आई थिंक इज माय पॉइंट क्लियर अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है सर अब मैं कैदी से आपसे बातचीत करूं तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है आ, आपका जो सेल है इसका यूज नहीं किया गया आप कर भी सकते हैं किया भी गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसा उसमें जीरा किया गया है ऐसा उसमें जिक्र किया गया है ठीक है अब जब बनाओगे इससे इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा आइए यहां बात करते हैं आपने यहां है क्या लिखा ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा क्या क्या विल ये क्या शो करेगा बाबू जी आपके एबिलिटी को कहा तो फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू

you will use this structure to show your future uh, capacity and ability is it okay listen to me very carefully ab yahan baat ki jayega agar main yahan bolu ki main english bol paunga to aap kya bologe i will be able to speak english main wahan ja paunga i will be able to go there ठीक है मैं आपसे बात कर पाऊंगा I will be able to talk to you. मैं पंखा को चालू कर पाऊंगा मतलब कि ऑन कर पाऊंगा मतलब पंखा हम चाहते चलाना तो आई विल बी एबल टू स्विच ऑन द फैन मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन मैं गाड़ी को ड्राइव कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू ड्राइव द कार या वैन या मोटर बाइक वट एवर आप जिस किसी भी गाड़ी के बारे में चाहते बात करना आप उसके बारे में बोल सकते हैं मैं कंप्यूटर चला पाऊंगा आई विल बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर ठीक है तो अब आप यहां पे देख लीजिए मैंने सेम काम किया आपके सामने और ये रहा हमारा कहानी यहां आपने कायदे से क्या लिखा है आजाव मिलकर बात करते हैं बाकी आप खुद समझदार है ठीक है आपने यहां पे क्या लिखा आपने यहां पे लिखा आ, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वह यहां आ पाएगी सी विल बी एबल टू कम हियर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू हेल्प यू मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वह कंप्यूटर चला पाएगी सी विल बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर वह इस समस्या का समाधान कर पाएगी सी विल बी एबल टू या कर सकेंगी तो सी विल बी एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम आपका समस्या तो योर प्रॉब्लम ठीक है अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है नाउ आई वो मेक दिगेटिव सेंटें हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर अब इस स्ट्रक्चर की मदद से अगर मैं चाहूंगा बनाना निगेटिव सेंटेंस तो कायदे से बना सकते कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे बनाओगे वो मैं देखा हूं आपको बोलू ना हाँ ये रहा हमारा ये रहा हमारा आपने यहां पर क्या लिखा सब्जेक्ट आए हाय चलिए आपने यहां पे क्या लिखा सब्जेक्ट और ये था आपका विल विल और ये विल, आ, वी एबल टू विल विल एबल एबल टू विल वी एबल टू के बाद क्या वो आपका फर्स्ट फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट इसे आपने कहा था ऑफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जब इसी का बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर अब जानते हैं बच्चों की दिक्कत क्या होती है बच्चे बोलते हैं कि सर जब एक से ज्यादा आ जाता है मेन वर्ब जब एक से ज्यादा क्या आता है मेन वर्ब देन वेयर शुड आई यूज नॉट जब एक से ज्यादा आएगा मेन वर्ब आपके सेंटेंस में तो कहां पे आप यूज करेंगे नॉट को कुछ नहीं करना है आपको आपको एक ही काम करना है आपका जो हेल्पिंग होगा, जो फर्स्ट हेल्पिंग होगा उस हेल्पिंग जस्ट बाद उस हेल्पिंग के यू हैव टू यूज नोट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वॉब ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सीधा इस विल के बाद लगा लोगे कि आप नॉट और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बाबू जी ये रहा हमारा सब्जेक्ट यहां आपने कहा क्या विल और ये रहा आपका क्या नॉट और इसके बाद यहाँ क्या लिखा आपने एबल टू ए बी एल ई एबल टू फिर हमारा वॉब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखा आपने ऑब्जेक्ट और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप निगेटिव सेंटेंस को कायदे से बना पाएंगे ऐसा मुझे लगता है कि आपको परेशानी की बात बिल्कुल भी क्या है नहीं है अब मैं यह क्या लिखूंगा कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा आई विल नॉट एबल टू डू दिस वर्क मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा आई विल नॉट एबल टू टॉक टू यू मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा आई विल नॉट एबल टू लिव हियर तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं ठीक है अब आप कहानी को लेके आ गया जो ये रहा हमारा कहानी और देखेंगे आप इसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ने वाले हो ये तो आपने पढ़ लिया अब थोड़ा सा बात हमें यहाँ करना है माय फ्रेंड्स एक्चुअली आई वांट टू सीयर सम कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ सूड मैं यहाँ पे सूड की मदद से कुछ कॉन्सेप्ट को हम चाहते करना शेयर आपके बीच इस बात को हेलो दम... हेलो हेलो मॉडल्स में क्या होता है बच्चों मॉडल्स में क्या होता है यहाँ जो आपने लिखा एस एच ओ यू एल डी सॉरी फॉर दैट एस एच ओ यू एल डी आपने यहाँ लिखा सूड इस सूड का मीनिंग भी बच्चों क्या होता है चाहिए और अगर हम कायदे से बात करें तो यहाँ लिखा आपने ओ टू ओ यू जी एस टी ओ टू इसका मीनिंग भी अपने आप में बच्चों क्या होता चाहिए अरे बोलो ना हाँ इसका मीनिंग भी होता चाहिए और इसका मीनिंग भी क्या होता है चाहिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश वर्ड एक से ज्यादा है और हिंदी मीनिंग हमारा एक ही, ही है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि कहीं पर हम किसी का यूज कर सकते हैं ई थिंक यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट इफ मोर देन वन इंग्लिश वर्ड्स वन हिंदी मीनिंग अगर एक से ज्यादा इंग्लिश के जो शब्द हैं अगर एक ही हिंदी मीनिंग को दिखाएगा शो करेगा तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेंगे कि तो हम किसी का यूज कहीं कर सकते हैं नाजी ना ऐसा बिल्कुल भी क्या करेगा आप नहीं करेंगे ठीक है अब देखोगे आपका कहानी कहानी वाला है देखिए इस सूड का मीनिंग भी चाहिए होता है लेकिन हम इसका यूज करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस को शो करने के लिए एक्चुअली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सूड इज यूज टू शो सजेशन एंड आई थिंक यू नो वेरी वेर अबाउट इट दैट सजेशन विल बी पॉजिटिव या निगेटिव Should का यूज़ करते हैं सजेशन को दिखाने के लिए और जो आपका सजेशन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तो हम इसका यूज करते हैं दोनों प्रकार के सजेशन को दिखाने के लिए इज इट करेक्ट लेकिन आपका जो ऑड टू है ओ यू जीएसटी आपका जो क्या है बच्चों आपका जो और है, वाओ। ये ऑट टू है ओ यू जीएसटी आपका जो ऑट टू है इस ऑट टू के बारे में अगर कायदे से हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सजेशन को शो करने के लिए मतलब आपने यहां क्या लिखा जब बात पॉजिटिव सलाह की होगी देन यू हैव टू यूज बोथ सुड या और टू जब बात सकारात्मक सलाह की होगी तो आ, आप सूड या ऑटू किसी का भी कर सकते यूज लेकिन जब बात निगेटिविटी का होगा आ, निगेटिव एडवाइस का होगा नकारात्मक सलाह का होगा तो आप वहां पर यूज क्या करेंगे सिर्फ सूड आप वहां पे ऑटू का यूज क्या करेंगे नहीं करेंगे इज माई पॉइंट क्लियर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सारे जो मेरे दोस्त हैं इसको समझ गए होंगे अब देखिएगा इस महफिल को आगे लेके आते हैं अब आपने यहां क्या लिखा आपको पढ़ना चाहिए यू शुड स्टडी आपको यहां रहना चाहिए यू शुड हियर आपको वहां जाना चाहिए यू शुड देयर आपको सुबह में जल्दी जगना चाहिए यू शुड वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उससे बात करनी चाहिए यू शुड टॉक टू हिम आपको परीक्षा पास करनी चाहिए यू शुड पास आपको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए यू शुड ओवे योर पेरेंट्स के नियमों का पालन करना चाहिए you should follow the rules of traffic. आपको सुबह में टहलना चाहिए यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर मैं चाहूं बनाना इस तो क्या फर्क पड़ने वाला है ये शुद्ध हमारा मॉडल है इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा? नोट आएगा आपको यह काम नहीं करना चाहिए you should not, you should not do this work. आपको मोहन को नहीं पीटना चाहिए यू शुड नॉट बीट मोहन इस तरीके से अब ये मस्ट के बारे में बात करेंगे हम जस्ट एक सेकेंड बाद आई I मीन mean एक मिनट बाद इससे पहले मैं थोड़ा सा बात किया आपसे इस उड के बारे में सॉरी इस ऑटो के बारे में आपको आ, मैंने बोला आई थिंक आई टोल्ड यू लाइक लाइक दैट हमने आपको बोला है जैसा कि टू का यूज हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं पॉजिटिव सजेशन को शो करने के लिए आपको मंदिर जाना चाहिए यू टू गो टू टेम्पल आपको सुबह में जल्दी जगना चाहिए यू ऑटू वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग अब हम बात करते किसका मोस्ट का अरे बोलो ना हा ओके okay? तो यहां देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है so यहां हमारा कहानी कहता है अगर मैं आपसे कायदे से बात करूं तो आप कहानी पे आ जाओ चलिए यहां पर आपने कायदे से क्या बोला बच्चा पार्टी ये रहा आपका मस्ट और यहां जो आपने ये मस्ट लिखा है इस मस्ट का मीनिंग होता है ही चाहिए ये चाहिए अब आप बोलोगे सर आपने सिंपली यहां पे लिखा था चाहिए और आपने यहां पे लिखा था क्या ही चाहिए आपने यहां क्या लिखा था ही चाहिए मतलब चाहिए और ही चाहिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में क्या अंतर है आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इस वाला में और इस वाला में क्या अंतर है हम इसके बारे में चाहेंगे आपसे बात करना तो लिसन टू मी वन थिंग यू वॉन्ट टू शेयर योर ओपिनियन इन जनरल सेंस एंड यू वॉन्ट टू शेयर योर ओपिनियन इन इम्फेटिक सेंस यू वॉन्ट टू इम्फेसाइज योर ओपिनियन कभी कभी क्या होता है आप अपनी सलाह को किसी बात को जनरल सेंस में सामान्य अर्थ में सामान्य भाव के अ, साथ जो है उसे क्या करते हैं एक्सप्रेस करते, करते हैं कॉन्वे करते हैं सिंपल वे में लेकिन कभी कभी जब आप अपनी बातों पर जोर देते हैं एम्फेसाइज करते हैं उसे एम्फेटिक बनाते हैं जोरदार बनाते हैं बनाते बलदायक देन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज देन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज ओनली दिस वन मोस्ट इज करेक्ट Is, is मतलब कोशिश कर रहे हैं वो बात आपको आई समझ में आइए yes, तो लेकिन आपको वहां जाना ही चाहिए तो यू मस्ट गो there आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो यू शुड प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए या आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए तो यू मस्ट प्रैक्टिस आपको यहां आना चाहिए तो यू शुड कम हियर आपको यहां आना ही चाहिए तो यू मस्ट कम हियर हम लोगों को वाक्य बनाना चाहिए तो वी मस्ट मेक सेंटेंसेस हम लोगों को सच बोलना चाहिए तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ हम लोगों को सच बोलना ही चाहिए तो वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ ऐसा हो सकता है कि फ्लो फ्लो में कहीं कहीं आ, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप इसे देख लीजिएगा और मेरे भाई अब हम लोग मिलते हैं लास्ट क्लास में आ, तब तक लेट टेल देन बाबा केयर ओके स्कूडन के जी बनाना दूसरा